नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम गए थे नर्सरी और वहाँ से लेके आए हैं कुछ प्लांट्स और कुछ पॉट। तो आपको एक एक करके सभी प्लांट्स का नाम बताएंगे और उनका रेट भी बताएंगे कि हमें कौन सा प्लांट कितने में मिला है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये नर्सरी हमारे घर के पास है और ये हमारे पहचानने वालों की नर्सरी है, तो इसलिए हम फ़ोन करके ही इनके यहाँ गए थे। तो नर्सरी में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब एक एक दो आदमी थे, लेकिन जिस समय हम गए थे उस समय तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी हम है ना मास्क और सैनिटाइज़र बिल्कुल साथ में लेके गए थे। तो अब बताते हैं हम अपने पौधों के नाम और उनके प्राइस। तो दोस्तों, ये पहला प्लांट है हमारा रबड़ प्लांट, जो कि बिल्कुल एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और इंडोर प्लांट होता है, या फिर आप इसको शेड में भी रख सकते हो। तो ये प्लांट मिला है हमें 150 रुपीज़ में, और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये ब्लैक रबड़ प्लांट है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की इसकी पत्तियां हैं, मतलब इतनी ब्लैक नहीं है, जो डार्क डार्क ग्रीन होती है तो इसको ही ब्लैक रबड़ प्लांट बोलते हैं। तो ये हमें 150 रुपीज़ में मिला है और काफ़ी अच्छा प्लांट है, वैसे बिल्कुल ग्रीन है। और इसी के पास है ये हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया का प्लांट हमारे पास एक भी नहीं था पहले, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, तो इसलिए हमें ये प्लांट ना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमने जब नर्सरी के ऊपर देखा, भाई इस वाले प्लांट में एक भी कांटे नहीं हैं, तो हम इसको लेके आए हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं पिंक कलर के फ्लावर भी आए हुए हैं, तो इसको हमें ना बोनसाई का लुक देंगे और काफ़ी सुंदर लगेगा ये प्लांट। और इसी के पास ये दूसरा भी हमारा छोटा सा एक बोगनविलिया का ही प्लांट है, और इस ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है और छोटा सा ये बिल्कुल, और ये दूसरी वैरायटी है छोटी पत्तियों वाला। और इसमें जो गुच्छों में फ्लावर आते हैं इसकी टिप के ऊपर, ये वो वाला प्लांट है बोगनविलिया का, और ये वाला भी कटिंग से लगाया हुआ है, लेकिन इसमें जो ये है फ्लावर कहीं कहीं आते हैं, लेकिन इस वाले में आगे की साइड में ही एक बड़ा सा बंच आता है। और इसी के पास है ये लैंटाना का फ्लावरिंग प्लांट। तो लैंटाना के प्लांट हैं हमारे पास, लेकिन है ना ये वाला कलर नहीं था, और इसके सभी फूल नीचे की तरफ ये झड़ चुके हैं, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इसको हमें दिया है 30 रुपीज़ में, और ये पीछे वाला जो बोगनविलिया है इसको दिया है 20 रुपीज़ में। और इसी के पास है ये हमारे सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार के ढेरों प्लांट हैं हमारे पास, लेकिन है ना ये पिंक वाला कलर नहीं था, रेड कलर हैं बाकी और वाइट कलर भी है, लेकिन ये पिंक कलर नहीं था, तो ये भी हमें 20 रुपीज़ में दिया है। और अगला है ये अडेनियम का प्लांट। तो अडेनियम में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, और ये भी हमें मिला है 150 रुपीज़ में। वैसे काफ़ी सही प्लांट है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, तो इसमें फ्लावरिंग आएगी तो पता ही चल जाएगा कि भाई कौन से कलर का फ्लावरिंग प्लांट है ये। और इसी के पास है ये एक कलंचो की वैरायटी है, और इसमें ये जो ऊपर ये डिज़ाइन से बने हुए हैं ये सभी बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो अगर इनको आप निकाल निकाल के लगा दोगे तो ढेरों प्लांट हो जाते हैं हमारे पास एक ही प्लांट से। और इसमें नीचे की तरफ भी, मतलब इस नीचे आप देख सकते हैं, इसमें नीचे की तरफ भी बेबी प्लांट निकलते हैं और इनकी पत्तियों के ऊपर भी बेबी प्लांट निकलते हैं। और ये भी हमें दिया है शायद 40 रुपीज़ में। और इसी के पास है ये एक छुई मुई का प्लांट। तो छुई मुई का प्लांट भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और ये छोटे साइज़ का प्लांट है तो आप देख सकते हैं, और ये ब्लैक कलर की एक पॉली बैग में लगा हुआ है छोटा सा प्लांट, और ये भी हमें 20 रुपीज़ में दिया है। और इसी के पास है एक समी का प्लांट। तो समी का प्लांट हमारे पास था, लेकिन अब वो है ना ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और गमले में लगा हुआ है, तो इसलिए इस समी के प्लांट को भी लेके आए हैं।
तो ये प्लांट हमें दिया है 20 रुपीज़ में, क्योंकि ये भी है ना काफ़ी छोटा सा ही प्लांट है। और इसी के पास है ये हमारा एक और फ्लावरिंग प्लांट, तो फिलहाल इसका हम है ना नाम भूल गए हैं, और ये कॉमन प्लांट है और हमारा समर सीज़न का फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसको भी 20 रुपीज़ में दिया है। और इसी के पास है ये एक फिलोडेंड्रोन की वैरायटी, तो इसके पत्ते लंबे लंबे और पतले पतले होते हैं, और ये काफ़ी सुंदर प्लांट है। तो ये इंडोर प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, तो इस प्लांट को दिया है 60 रुपीज़ में। और इसी के पास है ये हमारा विष्णु कमल, तो विष्णु कमल को भी उन्होंने 80 रुपीज़ में दिया है। एक छोटा सा सकुलेंट प्लांट है ये, और सकुलेंट में वैसे हमें पानी बहुत कम डालना चाहिए, तो पिछली बार भी हम एक है ना लक्ष्मी कमल लेके आए थे, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से ख़राब हो गया, क्योंकि नर्सरी से लेके आए थे उसी उस वक्त ही उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा था, और 2 दिन के बाद ही वो प्लांट ख़राब हो गया था। और एक ये और एक और प्लांट है, ये शायद एलोवेरा की ही कोई वैरायटी है, इसका नाम हमें नहीं पता है, तो अगर आपको इसका नाम पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी एक छोटा सा ही प्लांट है एलोवेरा के तरह का, तो ये भी हमें 80 रुपीज़ में दिया है। और इसी के पास हैं ये हमारे कुछ 5 पॉट हैं, ये 8 इंच के पॉट हैं, और इनका सबका प्राइस मतलब एक का प्राइस है 30 रुपीज़, 5 पॉट हमें 150 में मिले हैं। तो दोस्तों आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, तो अगर आपको हमारी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।